आप जो ये तेंदुआ देख रहे हैं ये कोई आम तेंदुआ नहीं है। इस तेंदुआ ने एक या दो नहीं बल्कि 400 इंसानों को मौत के घाट उतार चुका था। लेकिन क्यों ये तेंदुआ जंगली जानवर को छोड़कर सिर्फ इंसानों की शिकार करने लगा था, चलिए जानते हैं। इस आदमखोर तेंदुआ की कहानी की शुरुआत होती है इंडिया के नॉर्थन पार्ट में बसी एक क्षेत्र पनार में। सब कुछ ठीक ही चल रहा था तभी कलोरा नामक एक बीमारी फैलने लगा जिसके कारण सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर लोगों ने उस इंसान की लाशों को दफनाने के बजाय नदी और जंगलों में फेंक दिया जिसके कारण वो एक तेंदुए के संपर्क में आ गया और फिर उस तेंदुए को पहली बार इंसानों की मांस का स्वाद मिला। शुरुआती कुछ दिनों तक तो उस तेंदुए को इंसान की लाश आसानी से मिलने लगा था जिसके बाद वो इंसान की मांस पर निर्भर हो गया। फिर जैसे ही कुछ महीने बाद कलेरा नामक बीमारी की महामारी चली गई फिर उस तेंदुए को खाने की कमी होने लगी जिसके बाद वो आसान शिकार मतलब इंसानों की शिकार करना शुरू कर दिया। वो तेंदुआ इतना खतरनाक हो चुका था कि वो घर के अंदर घुस के इंसानों को मार के ले जाता था। दिन बीतते गए और उस तेंदुआ का आतंक बढ़ता गया और देखते ही देखते उस तेंदुए ने लगभग 400 इंसानों को अपना शिकार बना चुका था।